आप सबका स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 11 मार्च की ईश्वरी वरदान की। रूहानी नशे एक ऐसी चीज है जो कि अगर हमारे जीवन में बढ़ता जाए तो हमारे पास में दुनियावी तौर से कोई दुख आ ना पाए, ना कोई इंसान दुख दे पाए, ना कोई वस्तु या पदार्थ का लाभ या हानि हमें ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देगा, उत्तेजित कर देगा, और ना ही हमें बिल्कुल ही उदास कर देगा। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हमें रूहानियत के नशे को इस्तेमाल करना है ताकि हमारा दिन भर हमारा सुखमय जाए और हमें किसी भी प्रकार का दुख महसूस न हो। तो देखें, परमात्मा कहते हैं, रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप हवा। प्राप्ति कौन सी है? रूहानी प्राप्ति है। जब आपका मन और बुद्धि छठी इंद्री पर फोकस हो जाता है, आत्मा स्वरूप में फोकस होता है, आप हर किसी को उसके जात पात धर्म और उसके रंग रूप और वेशभाषा खान पान और उसकी त्वचा के रंग के बगैर अगर आप उसकी गहराई में जाकर उस आत्मा को पहचानने की कोशिश करते हो, ये सारी चीजों को हटा कर देना है। चलो मुझे इसको मेरे को धर्म के अनुसार नहीं सोचना है, मुझे इसको कर्म के अनुसार हल कर देना है, मुझे इसके भीतर जो इसके सोच है, इसके बोल है, उसके अनुसार इसको मुझे पहचानना है, क्योंकि वो कर्म में आएंगे ही आएंगे। तो फिर हम जात पात धर्म वर्म ये सब चीजों को हटा देते हैं और हम उस आत्मा के साथ में संबंध जोड़ते हैं या उस आत्मा को हम अंदर से भीतर से गहराई से पहचान पाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना, बल्कि मैं आत्मा हूँ, शरीर को चला रही हूँ, कोई कर्म कर रही हूँ, मैं आपस में बातचीत कर रही हूँ किसी के साथ, मैं दूसरी आत्मा के साथ बातचीत कर रही हूँ। तो जब आप आत्मा के साथ में बातें करेंगे तो आप कोई धार्मिक टॉपिक नहीं लेके आएंगे, तब आप कोई जात पात की बातें नहीं लेके आएंगे, तब आप कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, तो आप कोई मद्रासी बंगाली नेपाली और ये सारी चीजों की बातें नहीं लेके आएंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, ऊंच नीच की बातें आती है, उससे भेदभाव बढ़ता है। तो आप आत्मिक स्वरूप पर रहेंगे और इन चीजों से आप दूर रहेंगे। देखना व आत्माभिमान रहना, परमात्मा का बच्चा हूं, मुझे किस प्रकार से एक्टिंग करनी है। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। कैसी प्राप्ति? शक्ति आती है। हर परिस्थिति को फेस करने के लिए हमारे पास में अष्ट शक्ति हमारे सामने आती है। प्राप्ति स्वरूप रह रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा प्राप्ति स्वरूप, इसको ये आत्मा के स्वरूप को पहचानने से प्राप्ति आती है। नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि दुख कहां से आता है? जब भी हम अपने पवित्र स्वरूप से हम थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, हम अपवित्रता में सोचते हैं, हम किसी भी कार्य को किसी भी व्यक्ति को हम इस दैहिक दृष्टि से, अच्छा ये हिंदू है, अच्छा ये मुसलमान है, अच्छा ये है, ये बंगाली दिखता है, अच्छा ये मद्रासी, अच्छा ये नेपाली दिखता है, उस अनुसार जब हम देखते हैं परखते हैं उनको, उनके जात पात उनके रहन सहन के हिसाब से, तो हम उनको एक अपवित्र दृष्टि से दिख रहे हैं। तो हमारा ही क्या होता है, हमारी दृष्टि प्योरिटी से दूर चली जाती है और हमें ही दुख होना शुरू होता है। बिकॉज सोचिए ना, ये रबर बैंड इसको आप कितना खींचेंगे, जितना खींचेंगे उतना स्ट्रेस होता जाएगा ना आपके अंदर। तो हमें वापस आना है अपनी प्योरिटी में कि नहीं, मुझे इसको आत्मिक स्वरूप में देखना है। दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। तो हम समझ गए, जहां अपवित्रता नहीं वहां दुख अशांति कहां से आई? अपवित्रता ये भी होती है कि मैंने किसी को अपना मान लिया, ये मेरा भाई, मेरी बहन, ये मेरा पता, ये पति, ये मेरा पिता, ये मेरी माँ, ये मेरे 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 बनता, ये मेरे संबंधी, मेरे साथी, मेरे चाचा, ये मामा, ये काका, गुरु जी मेरे, ये भी मेरापन, ये धन, मेरी संपत्ति, ये सारी जो मेरापन जो होता है यहाँ पे तो आता है। ये सब कुछ परमात्मा है, हम उसके ट्रस्टी हैं, उनको संभाल रहे हैं। ये मेरा कुछ नहीं है, ये जमीन भी मेरी नहीं है, ये बिल्डिंग भी मेरी नहीं है, ये गाड़ी भी मेरी नहीं है, ये सब कुछ परमात्मा की धरती से उत्पत्ति हुई है इनकी, इसको सिर्फ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आत्मा और खेल में, बस खेल रहे चीजों के साथ में। जहां अपवित्रता नहीं वहां दुख अशांति कहां से आई? तो आप सोचो, छोटे बच्चे आते हैं आपस में खेलने शुरू करते हैं, अपने अपने टॉयज लेके आते हैं और तुम भी यूज करो, वो भी उसका साथी भी खेलता है, उसका दूसरा साथी भी खेल रहते हैं, हर कोई एक दूसरे के खिलौने से खेल रहे होते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है, एक कहता है नहीं ये मेरा खिलौना है, मैं ही खेलूंगा इसके साथ में। तो बस वहां पर जो खेल चल रहा था उसमें क्या होता है, आप समझ गए। तो यही चीज है, हमें मेरे तेरे में नहीं आना है। जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। जिनके मन में प्योरिटी है उनके जीवन में सुख और शांति स्वतः ही है। उनके अंदर द्वैत्व भाव नहीं आता, द्वैत्व सोच नहीं आती, तो ऑटोमेटिकली वो सुख शांति में रहते हैं। कैसे होता है पॉसिबल? ये तो आपको ब्रह्म कुमारी में आकर के महसूस करना पड़ेगा, सिर्फ समझना नहीं,
महसूस करना पड़ेगा, उस अनुसार जी के देखना पड़ेगा। चलो मैं आत्मसमझ कर अपने को देखता हूँ, एक हफ्ते तक मैं आत्मसमझ कर अपने को देखती हूँ कैसा महसूस होता है, सबको आत्मसमझ कर मैं फील करूँ एक बार। ये आपको इस चेतना में आकर के महसूस करके हर सेकंड ध्यान दे करके आपको, ये अंदर का युद्ध है, दैहिक चेतना में रहना या आत्मिक चेतना में रहना, इसी को तो जिहाद कहते हैं, इसी को तो महाभारत का युद्ध कहते हैं, ये भीतरी युद्ध है, इसमें हमें विजय पानी बहुत जरूरी है। और हमारे साथ इस समय कौन है? परमपिता परमात्मा। ओम शांति इसके साथ।